संगीत वर्षा शो आप सभी के लिए एक और यश वीडियो लेकर के तो यस वी आर बैक अगेन विद दिस रिक्वेस्टेड सीरीज का वीडियो लेकर के तो यस आज मेरे पास रिएक्शन के लिए वीडियो आया है दैट इज बेसिकली अगेन फ्रॉम द मूवी जिसमें हमने ऑलरेडी रिएक्शन कर रखा है एंड देर आर अ लॉट ऑफ मूवीज ऑन द वे जो हम लोग धीरे धीरे करके सारे ट्रैक्स कवर करने वाले तो या यू कैन जस्ट चिल आउट एंड धीरे धीरे सारे ट्रैक्स आ जाएंगे तो यू हैव जस्ट टू वेट एंड वॉच एंड धीरे धीरे करके मैं सारे ट्रैक्स कवर कर लूंगा दैट जस्ट माई प्रॉमिस तो या हल्का टाइम लगेगा बट या नो इशू जल्दी है भी नहीं हमें तो या धीरे धीरे करके सारे ट्रैक्स कवर हो जाएंगे आपके पास तो या आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले दैट्स पोरान जय जोलिया तो बेसिकली इट्स अ टाइटल ट्रैक हमने इस मूवी का अराउंड एक या दो 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 गाने हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो प्रीटी मच हैव फॉर द मूवी क्योंकि हमने दो गाने कवर किए एंड दोनों बहुत प्यारे गाने थे हैव टू से अब एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि इट्स अ टाइटल ट्रैक तो या इट्स द सेम टीम देव एंड सुभाषी फीचर द म्यूजिक इज आई डोंट थिंक सो कि जीत गांगुली छोड़ के कि इनका म्यूजिक होगा या एक्सपेक्टेड था जीत गांगुली अपने म्यूजिक पे है डायरेक्टर इज रवि किनागी ओके स्टारिंग देव सुभाषी अदर्स मूवी का नेम है पोरान जाए जोलिया रे एंड सेम विद द सॉन्ग सिंगर इज जीत गांगुली एज एक्सपेक्टेड लिरिक्स इज बाय गौतम सुष्मी जी ओके तो या वी कैन जस्ट स्लैम इट अ वीडियो बाकी चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियोस हमेशा देखना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर से कर देना बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना तो या वी कैन जस्ट स्लैम इट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअल ब्रदर फ्रेंड्स फ्रॉम दिस ट्रैक पोरन जाए जोलिया रे तो या 1080p पे है ना नहीं है ये मेरे लिए पुराना हो चुका है ब्रो आई स्टिल डोंट नो कि ये क्या इशू है बट या आई एम यूज्ड टू इट एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन ओके वी कैन जस्ट सी स्टार्टिंग पे ही लाइक एक बहुत बाजार सा वाइब है पीछे से जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बाजार एंड ऑल का कुछ सीन है एंड इज दैट देव या देव स्टार्टिंग पे हमें देव दिख चुके हैं तो या स्लैमिंग ऑफ द वीडियो एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3 2 1 लेट्स गो को ये रिफ्रेश नहीं हुआ है इट्स हाँ अब हुआ ना सॉन्ग फुल है ना बाहर का शूट है शायद ना बाहर का शूट है Let's go. जिन्होंने भी मूवी देखा है रेफरेंस टू समथिंग क्योंकि देर आर थ्री रोल्स जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि शायद मूवी का कुछ रेफरेंस हो कि देर माइट बी थ्री रोल्स ऑफ देव कमेंट्स में मुझे बताने चाहता मूवी रेफरेंस या फिर सिर्फ ये ट्रैक के लिए हल्का सा फन टाइप एलिमेंट था बट अगर ऐसा मूवी में है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड वो जुड़वा टाइप मूवीज जो हमारे बॉलीवुड में भी है तो या नाइस टू सी दोस्त बहुत पुराना कैमरा स्टिल रिमेंबर दिस दिस कैमकॉर्डर्स दीज आर नोन एज कैमकॉर्डर्स तो वो जो पीपल यूज टू अरे अरे बहुत पुराना वीडियो पे शायद बहुत पुराना प्रीटी मच हाइट प्रीटी मच श्योर क्योंकि वो जो कैमकॉर्डर देव के हाथ पे दैट्स टू ओल्ड ईयर बहुत ओल्ड फैशन है वो शायद उस टाइम पे बहुत ट्रेंड पे था या स्टिल रिमेंबर दोज डेज अब तो चलो फोन एंड ऑल से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं चाहे वो एप्पल्स के हो गए या फिर
एंड्रॉइड्स पे पीपल नाउडेज प्रेफर फोन्स ओवर कैमरास, तो यही चीज़ है यार, लाइक वो जो कैमकॉर्डर्स उनके हाथ में था ना, वो बहुत पुराना ट्रेंड है उनके, लाइक ऐसे दे यूज टू कीप दैट, एंड यहाँ पे उसका जो डिस्प्ले था दैट वाज अ बिट मूवेबल, तो वो ऐसे हो जाता था न्यूज कैन. नाइस यार, नाइस. ये सब चीज़ नोटिस करने में बहुत मज़ा आता है यार. लेट्स गो. ये वाला हाथ में जो उसका स्मैश वाला, ये वाला देखो हाथ ऐसे करके. इंडिया के बाहर का सूट है ना ये. Hey, let me tell you one thing. Did you notice that कि movies, आज की movies पे, and उस time पे movies में जब भी double role वाले scene होते थे ना, तो उस time पे इतने that क्या बोलते हैं उसको, that layer वाला scene नहीं रहता था. आजकल तो people use a green screen and उसको layer करके edit करके they frame it on a single frame. But उस time पे इतने double roles अगर आप करते थे, तो you have to remove a single part and फिर आपको single part दिखे. तो that's the reason आप notice करोगे कि पूरे track में, क्योंकि उस टाइम पे उतना सीन नहीं था, तो आप नोटिस करो कि पूरे ट्रैक में एक बार भी दो देव को एक साथ नहीं दिखाया गया. आप नोटिस करना जाके पूरे ट्रैक को सुनना. तो उस टाइम पे लेयरिंग एंड ऑल नहीं था. आजकल आप देखोगे कि मुझे कोई सीरीज याद नहीं आ रहा, जुड़वा देख लो ना, अपना जुड़वा 2 मूवी उठा के देख लेना. देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखोगे कि दोनों वरुण धवन को साथ में लाया गया, क्योंकि नाउअडेज लेयरिंग इज इन टू द सीन. तो पीपल नो कि कैसे लेयरिंग करके, पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज करके कैसे लेयर टू लेयर एडिट करना है. तो वो एक ही लेयर में आप चाहे तो 10 बार उसको कर सकते हो, मेहनत है. बट या दैट्स टू इजी फॉर दैट. जो लोग एक्सपीरियंस है उनको ये चीज़ पता होगा कि लेयर कैसे करना है. तो उस टाइम पे इतना लेयर एंड ऑल का कुछ सीन नहीं था, ना उतने अच्छे ऐप्स थे, ना उतने अच्छे सीन्स थे, ना उतने अच्छे डायरेक्टर्स थे कि उस लेवल पे बता पाए, क्योंकि उस टाइम पे उतना कुछ इजीनेस नहीं था. बट नाउअडेज पीपल यूज लेयर. ऐसा मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा जिसमें ज़्यादातर यूज़ किया गया हो लेयर एंड ऑल. मुझे जुड़वा 2 याद आ रहा, तो आई विल सॉली गिव आउट अ रेफरेंस टू दैट. सलमान खान का जुड़वा 2 देख लो, देयर आर चांसेस. आप एक चीज़ और नोटिस करना कि बीच बीच में ट्रैक्स में क्या होता है ना, कि रुको मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. जब मैंने ये चीज़ बताया ये, तो लेट मी क्लियर दिस शिट आउट. तो आप बीच में नोटिस करोगे ना कि बीच में आपको हाथ एंड ऑल दिखेगा, तो वो कोई और रहता है. तो दैट्स नॉट देव, कोई और का हाथ दिखाता है, एंड यू हैव टू जस्ट अज्यूम कि इट्स देव. तो या वो कुछ कुछ शॉट्स होते कि उस टाइम पे भी कुछ कुछ शॉट्स होते थे. तो या नाउअडेज इट्स वे टू इजी यार. आप चाहे 10 बार अपने फ्रेम को लगा सकते हो. दैट्स वे टू इजी फॉर एडिटर्स, जो लोग इस फील्ड में ज़्यादातर है. मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आई नो दैट टर्म्स एंड ऑल शिट. तो मुझे हल्का फुल्का पता है 3-4%, तो मैं वही आपको नॉलेज दे रहा था. तो यार लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैक. यार हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा कर दिया, सॉरी सॉरी. Did they actually did this? Okay.
दिस वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार एक ही फ्रेम पे दो को ला देंगे. Do you guys want to know कि ये चीज कैसे होता है? वीडियो का लंबा हो जाएगा बट बता देता हूँ मैं फट फट में बता देता हूँ. तो बेसिकली जहाँ से भी आपको ये चीज़ लोकेशन लेना है, जहाँ पे भी आपको दो फ्रेम लाना है, तो बेसिकली आपको एक सामने एक कैमरा प्रेजेंस प्लेस करना है एंड ट्राई कि वो कैमरा हिले नहीं. अगर ये शॉट की मैं बात कर रहा हूँ, आप ट्राई करना कि प्लीज़ वो कैमरा हिले नहीं, वो एक ही फ्रेम को कवर कर सके. ऑल यू हैव टू डू, आपको सेंटर पर रखना है कैमरे को. सपोज आपको लेफ्ट साइड पे कुछ और कपड़े पहन के आना है, राइट साइड में कुछ और सीन करना है, तो आपको क्या करना है, कैमरा कॉटर को ऑन करना है वीडियो को अपना एंड ट्राई कि वो कैमरा इतना सा भी नहीं हिले प्लीज. दैट विल बी वे टू इजी फॉर यू गाइस. तो आपको एक फ्रेम पे, एक वीडियो पे आपको लेफ्ट में कुछ काम करना है एंड सेकेंड पे आपको एक राइट पे आके काम करना. ऑल यू हैव टू डू इज जब आप एडिट कर रहे हो तो दोनों को एक साथ ला दो. आप समझ रहे हो मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ? एक के ऊपर एक ला दो एंड एक को काट दो बेसिकली हाफ क्रॉप टाइप्स एंड यू कैन जस्ट इजी है. मैं यार मैं ट्राई करूंगा लाइव में आके आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता, ये मुझे पता है. तो कमेंट्स में जाना, शुड आई कम लाइव एंड लेट यू गाइस एक्सप्लेन दिस शिट, ये चीज कैसे होता है. तो आई श्योरली लव टू डू दिस गाइस विद यू गाइस. तो मुझे कमेंट बताना, आई श्योरली लव टू डू दिस विद यू गाइस. तो या अभी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग यार फटाक से वीडियो खत्म करते हैं यार, फिर बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो. एंड देन स्टार्ट इन 3, 2, 1 लेट्स गो. यार ये सब मैं बताऊंगा बट आई हैव टू कम लाइव एंड ऑल दैट शिट. तो देखता हूं मैं. मूवी का कुछ रेफरेंस होगा ना. ट्रैक यहीं पे खड़ा था, खत्म हो चुका है. तो डेट मैट पे मूवी रेफरेंस के शायद मे बी इनका 3 या 4 रोल होगा मूवी में. तो या दैट वाज द ट्रैक पोरन जाए जोलिया रे. या अ वेरी गुड ट्रैक है, उससे टाइटल ट्रैक के हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक. आई नो दिस हैड अ एक वो प्रॉपर वाइब नहीं था इस ट्रैक में, क्योंकि इट्स अ बिट ऑफ हुक ट्रैक. तो वो हुक में हल्का सा ग्रूवी बीट रखना जरूरी है, एक ग्रूवी सा वाइब रखना जरूरी था कि पीपल कैन एक्चुअली कनेक्ट विद दिस ट्रैक्स. बाकी दो गाने हमने कवर किए थे वो बहुत प्यारे थे यार, एक हल्का सा वाइब था दोनों में रोमांटिक टाइप्स. तो इट वॉज प्रिटी गुड, लव द ट्रैक ओवरऑल. लेट्स सी इस मूवी में और कोई ट्रैक्स है कि नहीं, क्योंकि आई वुड से कि हमने 3 गाने कवर किए एंड ये मुझे एक हल्का एवरेज ट्रैक लगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिरिक्स एक ही चीज़ को लिरिक्स था, हुक ज़्यादा था इसमें. तो अदर रीजन आई डिडंट, आई वुड से इट वॉज एन एवरेज ट्रैक आई वुड से फॉर मी एटलीस्ट. आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आप सभी का क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे. बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मत भूलना. ऑल्सो वी विल बी शॉर्टली कवरिंग मोर ऑफ दीज मूवी सॉन्ग्स. तो इस मूवी में अगर कोई और भी सॉन्ग्स होंगे तो हम लोग डेफिनेटली वाले कवर करने वाले, ताकि एक प्रॉपर मूवी के सारे ट्रैक्स हम लोग कवर कर ले. या तो मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक ले गुड बाय सी.